नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कॉटन सीड ऑयल केक में जिस ढंग से हमने उम्मीद की थी प्राइसेस में तेजी आएगी, ऐसा ही कुछ तेजी का माहौल बना हुआ है। आज के सेशन में भी ये तेजी कायम रह सकती है। तो आइए आज के इस 5 मिनट वीडियो में कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल आउटलुक देखेंगे कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर। सबसे पहले कॉटन कॉम्प्लेक्स वेबिनार। जनवरी मंथ में भी हमने कॉटन कॉम्प्लेक्स का एक वेबिनार आयोजन किया था अकोशिया के साथ, जिसके बाद हमने जो पोजीशंस बनाई थी या जो व्यू रखा था वो एग्जैक्टली फरवरी में हमने आते हुए देखा है। आगे का व्यू कैसा रहेगा, इंडस्ट्री के कुछ और नए एक्सपर्ट हम इस वेबिनार में लेके आ रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे और लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये शनिवार को हम कॉटन कॉम्प्लेक्स का एक वेबिनार आयोजन कर रहे हैं अकोशिया के साथ, इसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करते चलिए। वहीं अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें, पिछले एक हफ्ते के अंदर 7.5% से ज्यादा की तेजी हमने कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर आते हुए देखी। पिछले 3 महीने में 17.5% की तेजी हमने बनते हुए देखी। मूविंग एवरेज का अगर हम बात करें तो सभी मूविंग एवरेज पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जो अभी भी आउटलुक पॉजिटिव ही है। कहीं ना कहीं 2000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, बट बाकी भी इंडिकेटर अगर हम बात करें RSI, CCI, MACD, ADX सभी काउंटर में तेजी कायम दिखाई दे रही है। पिवट पॉइंट के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो जब तक प्राइसेस 2200 के ऊपर होल्ड है, हमें लगता है 2320 से लेकर 2380 तक का लेवल आराम से हम काउंटर पे देख पाएंगे। वहीं अगर फंडामेंटल साइड की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर 7.5% की हमने तेजी बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस के अंदर CCI ने जिस ढंग से एक हाइक किया है बेस रेट के अंदर, ये प्राइजेस पे सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। डेयरी इंडस्ट्री के भी डिमांड इंप्रूव है, साथ में हमने देखा CCI ने करीबन 90 लाख बेल से ज्यादा की बाइंग कर चुकी है इस सीजन में। नो डाउट बीच में हमने देखा था 371 के फिगर्स आने के बाद प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुलबैक दिखाई दिया था, बट सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें पोस्ट कोविड, या हम डेयरी इंडस्ट्री रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो इन ऑल हमें लगता है कि फैक्टर्स काफी स्ट्रांग है, हमें लेके ही काम करना चाहिए। इनफैक्ट हमने देखा कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हमने देखा बजट के अंदर 10% की ड्यूटी इंक्रीज की है, जिसके चलते भी सेंटीमेंट डोमेस्टिक मार्केट पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्टिकली भी अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ हुआ है, जो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिखा रहा है। 2135 का लेवल तोड़ने पे हम अपसाइड में 2400 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो इन ऑल टेक्निकल फंडामेंटल और सीजनैलिटी भी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट स्ट्रांग मूव रहना है। तो ओवरऑल हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक 2000 के ऊपर स्ट्रांग है, थोड़ा भी डिप में लेके चलिए। 2400-2440 तक के लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो जनरली पिछले 30 साल में गिरावट देखी है, बट इस बार डिमांड इंप्रूवमेंट है पोस्ट कोविड के चलते, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट फरवरी और मार्च मुझे लगता है सप्लाई कंसर्न की वजह से तेजी कायम रहेगी, जो 2400 से लेकर 2650 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो इन ऑल कॉटन सीड ऑयल केक में सभी तरीके से टेक्निकली फंडामेंटली और सीजनैलिटी के हिसाब से भी तेजी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप और टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के सभी अपडेट टाइम टू टाइम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।